नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि वालों। दोस्तों, कुत्ते का दुम टेढ़ी का टेढ़ी रहेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह कुत्ता आपके जीवन काल में आपका शत्रु है। जी दोस्तों, और आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में यह कांड करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जाको राके शाया मार सके ना कोई। जी दोस्तों, और आने वाले 7 दिनों में ईश्वर का भारी आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आपके जीवन काल में खुशियों की वह तबाही करेगा कि आपके दुश्मनों की आंखें फट जाएंगी। जी दोस्तों, बशर्ते अब आपको चौकन्ना रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसे में दोस्तों, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर पर पूर्णतया निर्मित आप सभी के जीवन काल में रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर अपने जीवन काल को बेहतर बनाना चाहते हैं, शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार आप शत्रुओं से बच सकते हैं। आने वाले समय में ग्रहों की जो चाल होगी, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन काल में अब होने वाले हैं, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शिव जय भोलेनाथ का नाम लिखकर स्मरण कर लें। भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। कि दोस्तों, भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से भी काला है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारे जवाब दिए कि हे भीष्म पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से भी तेज है और कलंक काजल से भी काला है। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह बात अगर आपको सच्ची लगी हो या बातों से आप सहमत हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आप शिव के जीवन काल में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, यश में परिस्थिति लाभदायक है, सिर्फ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, किसी शुभ चिंतक की मदद से आपकी कोई महत्वाकांक्षी भी यश में पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून का प्राप्ति होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, तो दोस्तों ध्यान रखें कि जल्दबाजी और भावुकता में लिया हुआ निर्णय गलत हो सकता है। वाहन या फिर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से भी खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, किसी से भी यश में आप बातचीत करते समय अपने शब्दों पर संयम रखें या फिर शब्दों के प्रयोग का उचित चयन करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशोमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि लोगों के प्रति रखी अपेक्षाओं को कम करने की वजह से परिस्थिति से जुड़ी नाराजगी आपकी कम होगी। अधिक मेहनत लेने का जो जज्बा है यश में आपके अंदर जाग रहा है, लेकिन योजना ठीक तरीके से ना हो पाने की वजह से किस दिशा में प्रयत्न करने होंगे यह बात को आप यश में जान नहीं पाएंगे। दोस्तों, यश में आप व्यवहार और करीबी रिश्ते इन दोनों बातों में भेद करना सीखें, ये आपके लिए यश में आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि अपना ध्यान व्यर्थ की गतिविधियों से हटाकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ केंद्रित रखें। दोस्तों, आप अपनी क्षमता द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी यह समय सक्षम रहेंगे। नई योजनाएं दिमाग में यश में आने वाली है। परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी रिश्ते की बात भी चल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, कभी कभी कुछ निर्णय लेने में दिक्कत भी होगी, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता से आप सफल भी इसमें होने वाले हैं। किसी के साथ छोटी सी बात को लेकर तनाव भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इसका असर आपकी नींद पर भी यशमय पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए समय होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। व्यक्तिगत बातों में और काम से जुड़ी बातों में किसी की सहायता लेने की आपको कोशिश करना चाहिए। अपनी क्षमता का उचित उपयोग करके मेहनत से ज़्यादा जो है स्मार्ट वर्क पर आपको यश में ध्यान देने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर आप सफलताओं की यश में प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अभी भले ही जिम्मेदारियां बढ़ रही हो, लेकिन परिस्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी।
और दोस्तों आप सभी समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों दिन का अधिकतर समय मनोरंजन और आमोद प्रमोद में भी व्यतीत होगा। दोस्तों अपने निकट संबंधियों के साथ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत रखेगा। दोस्तों आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों के प्रति ध्यान भी इसमें दे पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय भूमि संबंधी किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करें। जरा सी गलती नुकसान की वजह से जो है नुकसान का कारण बन सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान जो है यश में अपनी पढ़ाई से हटकर मौज मस्ती पर भी लग सकता है, तो दोस्तों इनसे आप सावधान रहें। संतान के किसी जीत की वजह से परेशानी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि युवाओं को करियर संबंधी बातों की वजह से यह समय तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। हर व्यक्ति द्वारा मिल रही अलग अलग सलाह आपकी चिंता और कन्फ्यूजन दोनों को इसमें बढ़ा सकता है। यानी दोस्तों सभी कामों को यश में आप नहीं कर पाएंगे और इनमें आप नाकामयाब भी रह सकते हैं। दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण कामों पर यश में अपना ध्यान दें, इन्हें आप पूरा भी कर पाएंगे और अच्छी सफलता भी यश में हासिल कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी बुद्धि बल और फिर चतुराई से किसी समस्या का समाधान पाने में इसमें सक्षम रहेंगे तथा आपसी योग्यता व काबिलियत से समाज में सराहना भी आपकी हो सकती है। निवेश और गतिविधियों में व्यवस्था बनी रहेगी। दोस्तों घर के बुजुर्गों के साथ किसी मंदिर या फिर धार्मिक स्थल की यात्रा का प्रोग्राम भी यह समय बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय दूसरों के मामलों में कोई भी दखलंदाजी ना करें, अन्यथा लेने के देने भी पड़ सकते हैं। महिला वर्ग अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी मुद्दों के लेकर यश में वाद विवाद भी संभव है, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे, यश में आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न को यश में सफलता मिल सकती है। लोगों द्वारा मिल रहा सहयोग आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास भी यश में जगाने वाला है। कला से जुड़े अपने ज्ञान को दिखाने का यश में आपको मौका भी प्राप्त हो सकता है। परिवार के व्यक्तियों के साथ आपके संबंध इसमें सुधरने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय शुरुआत में कुछ कारोबारी में दिक्कतें और परेशानियां आ सकती है, परंतु दोस्तों आप इनका हल विवेक पूर्ण तरीके से निकाल भी पाएंगे। कामकाज में गोपनीयता का जो है ध्यान रखना यश में आपके लिए जरूरी होगा। और दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी समय संतोषजनक रहने वाला है। और इसके उपरांत यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में व्यवस्था संबंधी कोई खास फैसला लेने में परेशानी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप यश में ध्यान रखें कि मेहनत द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है और यश में आप कर भी पाएंगे। दोस्तों यश में कोई रुकी हुई पेमेंट आदि प्राप्त होने से जो है आपकी मन भी थोड़ा सा प्रसन्न रहेगा और आर्थिक स्थिति आपकी इससे मजबूत होने वाली है। दोस्तों विदेश संबंधी व्यवसाय जल्दी ही गति पकड़ेंगे। और इसके उपरांत आपके व्यवसाय के लिए समय जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय तथा नौकरी दोनों क्षेत्रों में किसी प्रकार की राजनीति भी हो सकती है, इसलिए दोस्तों यह समय आप दूसरों की बातों में न आकर अपने काम से ही मतलब रखें। दोस्तों कारखाने व फिर मशीनरी से संबंधित व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर भी मिल सकता है। यश में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। आप जो है आपका अपना कोई भी काम है करने का जुनून आपके अंदर यश में रहने वाले हैं और दोस्तों यश में महत्वपूर्ण उपलब्धि भी इनसे आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों कमीशन और फिर इंश्योरेंस संबंधी बिजनेस वाले लोगों के लिए ज़्यादा सफलता यश में आपको मिलने वाली है। और नौकरी पेशा लोगों का किसी ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में घर की व्यवस्था को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद भी रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में जो है भावनात्मक नजदीकियाँ रहेंगी। और इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यह समय वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाकर रखने में आपको विशेष प्रयास भी करने चाहिए। प्रेम संबंधों में अपना समय इसमें नष्ट ना करें, ये आपके लव लाइफ के लिए इसमें बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी से अधिक उम्मीदें रखना आपसे संबंध में दूरियां ला सकता है। विवाह योग्य युवाओं के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी यह समय आने वाला है।
शुभ प्रणाम दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों, पति पत्नी के बीच चल रही गलत फहमियों का निवारण होगा और संबंध पहले की तरह मधुर भी हो जाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में व्यवसाय की दिनचर्या व फिर आदतों में सकारात्मक बदलाव आपको स्वस्थ व फिर निरोगी रखेगा। योगा करना अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे दोस्तों, काम के दबाव की वजह से पैरों में सूजन व फिर दर्द जैसी समस्या रहेगी। नींद न आने जैसी समस्या भी आपको यशमय परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, काम के साथ साथ आप जो है अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। अपनी शारीरिक और फिर मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर रखने के लिए आपको यशमय योगा का सहारा जरूर लेना चाहिए। और इसके उपरांत यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके सकारात्मक विचार तथा सुव्यवस्थित दिनचर्या आपको यश में स्वस्थ रखेंगे।